दोहा गुरु, क्या हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो सोचा आपको भी लेकर चलते हैं भाई। तो चलो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, एवरीथिंग इज सेट, चलो चलते हैं। चलो तो भाई साहब, हम लोग निकल चुके हैं और अभी जो भाई टाइम हो रहा है ना, कुछ बज रहे हैं 2:30 के आसपास, 2:40 के आसपास हो रहा है। और अभी हो रही है भाई बैंगलोर में भरी दोपहरिया, मतलब अभी कुछ टाइम बताएं, मतलब टेम्परेचर अगर बताएं तो ना भाई कुछ 30 के आसपास समझ सकते हो, 28 से 30 के आसपास रहता है दोपहर में, ऐसा मतलब नॉर्मल मौसम चल रहा है। और रात के समय तो मस्त मौसम हो जाता है। तो यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर एक HAL म्यूज़ियम है, मैं सोचा वहीं चलता हूँ, अकेला जाना भी सही रहेगा, और चलते हैं। और अभी इस समय कुछ ट्रैफिक कुछ भी नहीं होने वाला है और कोई दोस्त फ्री नहीं होगा, बिकॉज आज ट्यूसडे का दिन है, वीकडे चल रहा है, मिड ऑफ द डे है। तो इस वजह से मैंने सोचा अकेले घूम कर आ जाते हैं, मेरी छुट्टी थी, मैं खाली पड़ा था, मैंने सोचा अकेले घूम आते हैं। चलो चलते हैं। तो भाई साहब, मैं कितने टाइम बाद ऐसे मोटो व्लॉग काइंड ऑफ कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इधर मैं खाली था, मैंने सोचा कि हाँ भाई बनाया जाए कुछ। और इस समय भाई अपने नॉर्थ साइड धूप ही नहीं हो रही है, और यहाँ देखो कितनी मस्त धूप हो रही है। मतलब मैं हाफ टी शर्ट पहन के निकला हूँ और ये इनर जैसा पहना हुआ है, ताकि मेरे हाथ वाथ को टैनिंग वैनिंग से बचने के लिए। तो बस अपन थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, मैं पीछे वाले रास्ते से आया हूँ जानबूझ के, क्योंकि भाई साहब उधर से ना प्रोबेबिलिटी है थोड़ी बहुत कि हाँ ट्रैफिक मिल जाएगा, तो पीछे वाले रास्ते से थोड़ा सा एनालिटिक्स वगैरह लगा के सोच साच के मैंने कहा कि देख वेख के कि भाई इधर से ज़्यादा बेटर है जाना, तो यहाँ से जल्दी भी पहुँच जाएंगे। और अभी ये देख रहे हो ना, पूरा भगवा हर तरफ लहराया गया है, क्योंकि भाई अभी 22 जनवरी कल ही था और मस्त एकदम माहौल हो रहा है बैंगलोर में, मस्त माहौल हो रहा है यार। पीछे चौक पे भी ऐसे ही झंडे लगे हुए थे मस्त, और राम मंदिर का पूरा वहाँ पे फोटो लगाया गया था, ऐसे ही सेम यहाँ पे चारों तरफ झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। मतलब डिफरेंस नहीं लग रहा है सच कि हाँ आप उत्तर प्रदेश में नहीं हो, उत्तर प्रदेश में तो अलग ही सीन हो रहा होगा भाई इस समय। और जैसे कि ना ऐसे ही भगवा हर जगह झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं, और चौराहा जो जो है ना भाई इतना बढ़िया सजाया गया, जितने भी मंदिर इतने सुंदर सजे हैं ना, हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा है। तो भाई क्या मज़ा, क्या आनंद आ रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि हाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ आप कहीं और हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आप अपने घर के पास ही हो। तो भाई साहब हम लोग आ गए, और टिकट लगा 20, मतलब 50 रुपये लोग वैसे लेते हैं एडल्ट का, और 20 रुपये फ़ोन कैमरा का, मतलब अगर आप स्मार्टफोन जैसे मैं ले कर रहा हूँ तो 20 रुपये उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। और इस समय भाई खाली पड़ा है, बस एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ है शायद, इस वजह से थोड़ी भीड़ दिखेगी, 2-4 लोग दिखेंगे यहाँ पे। और ये HAL का है प्रॉपर, मतलब काफ़ी अच्छा, मैंने रिव्यूज़ वगैरह में भी देखा था, काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया गया है, पार्क वगैरह है, तो सारा देखते हैं बताते हैं। ये देखो मस्त लग रहा है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स हैं भाई, जो सारे मरु ट्रेनर यहाँ पे खड़ा है देखो, और इसके डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय HAL, और यहाँ पे सारे जो है ना सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से बने हुए हैं, मतलब HAL का फुल फॉर्म है वो। और जितने भी, मतलब मेरा घर पास में है ना, तो रात में ये लोग टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, शाम को टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, तो वो सारा, ये देखो मिग फाइटर खड़ा है भाई साहब, मिग फाइटर देखना है तो ये देखो भाई मिग फाइटर, मस्त लग रहा है मिग, मेरे को ना एक्साइटिंग सा लगता है ये सब कि हाँ भाई ये फाइटर जेट्स हैं जो उड़ाया जाता है, और ये ट्रेनर है बेसिकली, मतलब एक काइंड ऑफ सैंपल है जो बना के रखा गया है। और यहाँ पे पूरा एकदम, यहाँ पे देखो मिसाइल विसाइल का, गोलियों वोलियों का सारा यहाँ पे बना हुआ है भाई। इनके ना स्पीड भी लिखे हुए हैं, मतलब कितनी स्पीड से, इनकी मैक्स स्पीड क्या है, तो भाई मिग की स्पीड लिखी है 2250 किलोमीटर पर आवर, भाई समझ जाओ सुपर सोनिक स्पीड। और यहाँ पे एक हिंदुस्तान जेट ट्रेनर है ये वाला, इसकी स्पीड कितनी है भाई, ये देखो 750 km/h, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है हर एक चीज़, मतलब ये सब ट्रेनर मॉडल्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ट्रेनर मॉडल्स क्या होते हैं ना कि जैसे सैंपल के लिए, ट्रेनिंग के लिए आई थिंक वो सब करते होंगे, तो वही सारी चीज़ है। और यहाँ पे लाइन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सारा कुछ यहाँ पे बन रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ गार्डन भी बहुत अच्छे से मेनटेन किए हैं भाई साहब, मतलब बढ़िया है। मात्र 50 रुपये का टिकट है, आओ घूमो मजे लो, अकेले के लिए तो मस्त है भाई। ये वाला एयरक्राफ्ट देखो, ये पायलट लिस्ट एयरक्राफ्ट है, टारगेट एयरक्राफ्ट है बेसिकली, मतलब ये कुछ होता होगा मिसाइल विसाइल छोड़ के आता होगा, ये सब मतलब वैसे ट्रेनर काइंड ऑफ है। और यहाँ पे देखो सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, किसी को देखना भाई देख लो, रीयूजबल फॉर 10 मिसाइल्स वगैरह, मतलब मिसाइल छोड़ने के लिए बेसिकली है। और मस्त गजब गजब चीज़ है, पायलट लिस्ट वाले का मेरे को पता नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ। गार्डन कितना बढ़िया मेंटेन किया है देखो, यहाँ पे ऐसे करके, मतलब ये पूरा यहाँ पे फुहारा चल रहा है,
और इधर पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये इतने पेड़, इतना अच्छा एरिया है ना। मतलब ये मतलब बैंगलोर का एक ऐसा एरिया है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा एरिया है ना बेसिकली जो पूरा ग्रीन ग्रीन, मतलब आसपास पूरी ग्रीनरी छाई रहती है। रोड पे भी ऐसा ही सीन है, ये HL के तरफ से है और पीछे ही, मेरे पीछे ही ना वो है, लाइक यहाँ से अभी एक हेलीकॉप्टर उड़ के भी है। वो टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं अपने जो भी फाइटर वगैरह होते हैं और भी मतलब हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनके पास, वो सारा टेस्ट करते हैं। मतलब बड़े वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं होते जो सारे लेकर जाते हैं लोगों को जब वॉर वगैरह का सिस्टम होता है, वो सब यहाँ पे लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पे PSLV वो भी है भाई, उसका वो बनाया गया, मतलब प्रतिबिंब कहते हैं उसको, काइंड ऑफ मॉडल बनाया गया, वो भी देखता हूँ। पहले अपन सीधे चलते हैं। बता रहा था ना स्कूल की ट्रिप आई हुई है, जैसे मैं आया तुरंत ही ये देखो बच्चे आए हुए हैं बेसिकली, स्कूल के बच्चे। अच्छा है वैसे दिखाने के लिए, मतलब स्कूल में ही वो नॉलेज दे देना, वो सारे चीज़ दिखा देना, ताकि कोई भैया हो तो वो ये सब बन सके, मतलब HAL वगैरह में घुस सके। भाई ये वाला एयरक्राफ्ट देखो, कैनबेरा नाम है इसका, और भाई ये इतना ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज, मतलब इतना बड़ा है ना भाई साहब, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है। और ये फर्स्ट फ्लाइट 13 मई 1949 पे लिखा हुआ है, सब कुछ तब हुआ था। और ये इसका स्टैटिक थ्रस्ट जो है ना 3,357 किलोग्राम्स, मतलब ऐसा है। और ये ना देख लो मैं कहाँ पे हूँ भाई, और वो ऐसे इतना बड़ा सा है, मतलब इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है। मतलब ओरिजिनल चीज़ें हैं जो एक्चुअली यूज़ होती थी, वो यहाँ पे भी रखे गए, ट्रेनर्स भी हैं जो यहाँ पे रखे गए, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग के पर्पज़ में काम आता होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे है। मस्त लग रहा है ये, मतलब इतने पास मैंने ये देखा नहीं था अभी, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है मेरे को भाई। यहाँ तक जो पार्ट था ना वो पुराना था, और ये वाला जो पार्ट है ना इस साइड है वो नया है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड और न्यू डिस्प्ले एरिया, यहाँ पे नई नई चीज़ें हैं। देखा जाए यहाँ पे नेवी के भी हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब आर्मी के भी हेलीकॉप्टर्स हैं, सारे टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं। एक हेलीकॉप्टर मैंने अभी देखा ना, उसमें बैठ भी सकते हो भाई, मतलब काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ले सकते हो कैसा है, अलग होता है ना डमी काइंड ऑफ, भिजा के बैठो देखो कैसा होता है कैसा दिखता है। तो अभी जाएंगे उस साइड भी, वो उस साइड कहीं पे था तो देखेंगे। ये नेवी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, कहाँ से घुस सकते हैं। हाँ ये सी किंग MK, भाई क्या धांसू लग रहा है कैमरे में, मस्त एकदम, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये भाई फर्स्ट फ्लाइट इसकी 1969 में हुई थी, और ये देखो ऐसा दिखता है हेलीकॉप्टर, कितना मस्त लगता है यार ये सब चीज़। लिटरली यार नौसेना का है बेसिकली, नेवी का, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर सब कुछ। मूवीज़ वूवीज़ में देखने में कितने ऐसा लगता है ना कि हाँ नॉर्मल सा होगा छोटा सा होगा, भाई कितना ह्यूज है कसम से। और ये बड़ा वाला हेलीकॉप्टर, सबसे बड़ा वाला हेलीकॉप्टर जो होता है ना जो नेवी आर्मी यूज़ करते हैं, भाई साहब कितना बड़ा है, यहाँ से ले गए यहाँ तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 बसों के बराबर है। देसी सोच, बसों से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन भाई सही में बहुत बड़ा है भाई। इसके पंखे कितने बड़े हैं, मतलब TV में इतने लगते हैं कि यहीं पे ऐसे नॉर्मल घूम रहा है भाई, इतना लंबा पंखा है वहाँ तक जा रहा है। ये देखो भाई स्टुअर्ट लिटिल वाला प्लेन, जो स्टुअर्ट लिटिल मैंने दिखाता था मस्त, उस समय लगता था ना नॉडी और स्टुअर्ट लिटिल जब देखते थे कि भाई प्लेन तो कोई भी चला लेता है आराम से, नॉडी तो सब चला लेता है, वो वाला थॉट। और भाई ये छोटा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दैट वन, ये सिंगल सीटर है शायद, सिंगल वाला। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है, उस साइड लिखा है, मतलब पंखे वगैरह इतने पास से ये सब देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसका नाम है HPT-32, एरोबैटिक पायलट ट्रेनर है बेसिकली, ट्रेनर है डिज़ाइन करने के लिए, मतलब एक कुछ ऐसा, और डिज़ाइनिंग के लिए। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 19 जनवरी 1977 में हुई थी। और भाई ये देखो, ये एक और फाइटर, भाई साहब फाइटर लगते तगड़े हैं वैसे, मतलब एकदम जो होता है ना, ये शायद पेट्रोल भरने वाला है यार, ये शायद ये वाला है ना एरिया, हाँ ये पेट्रोल फाइट भरने वाला है शायद, ऐसा ही तो रहता है जो TV में दिखाया जाता है ऐसा कुछ। देखते हैं उधर लिखा होगा इसके डिटेल्स, वर्किंग प्रिंसिपल MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, 3 वर्जन्स में निकला था इसका, पीरियड प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और भाई इनकी स्पीड देखो 2230 km/h, मतलब इतनी स्पीड से भाई साहब सुपरसोनिक स्पीड, कि भाई अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं और अगर मेरे को गोरखपुर जाना है यहाँ से, गोरखपुर यहाँ से पड़ता है कुछ 1800-1900 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर के आसपास है, तो भाई साहब मैं कितना जल्दी पहुँच जाता, मैं तो 1 घंटे में घर पहुँच जाता यार। यार मेरे प्लीज़ इसको भी चलवाओ यार, इंडिगो वालों सब तो चलवा दिए हो, ये भी चलवा ही दो किसी तरह। वैसे जोक्स अपार्ट, बहुत ही गर्व होना चाहिए हम लोग को इन सब चीज़ों पे कि हाँ ये HAL की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि इंडिया में सब बनता है। और यहीं पे मेरे पीछे ही ना ये जो है ना ये वाला एरिया, उधर साइड वो सारा एरिया है जहाँ पे अभी भी फ्लाइट्स हो रही हैं, मतलब वो अपना हेलीकॉप्टर वगैरह टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उड़ा उड़ा के। भाई इसी वाले हेलीकॉप्टर मैंने देखा था कोई बैठ रहा था, इसका नाम है ध्रुव, एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, बेसिक व्हील, कोई तो बैठा था भाई इसके अंदर,
यहाँ पे पूरा एकदम सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे वो लगा हुआ है, वैसे कुछ लोग चले गए थे अभी, मेरे को लगा बैठने वाला है। एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर ऐसा दिखता है, मस्त है। मतलब इधर से वो लोग गए, उधर से जाओ, अपना बना हुआ है, उस पर चढ़ के उस पर चढ़ जाओ अंदर। भाई जिसको साइंस वाइंस में इंटरेस्ट है ना, उसके लिए ना बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब यहाँ पे रडार्स लगे हुए हैं जो एक्चुअली यूज़ होते थे, वो सारे चीज़ यहाँ भी, ये भी एक रडार ही लग रहा है, वो यहाँ पे है। मतलब प्रॉपर जिसको इंटरेस्ट है ना भाई, वो पक्का यहाँ पे आके ना उसको मज़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ, क्योंकि ये सब एक्चुअली यूज़ होता था और अभी हम लोग सामने से देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये भी है ये एंटीना, मतलब हाँ कंट्रोल रडार ही है बेसिकली, ये भी रडार ही है जो मैं देख रहा था, रडार ही है। हाँ मतलब काइंड ऑफ वही सारी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें यूज़ होती थी, उनका मॉडल बना के रखा गया है जो एक्चुअली यूज़ होती हैं। भाई साहब इतनी तेज़ धूप है ना कि भाई कुछ पीने को खाने का मन कर गया। तो यहीं पे कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप वगैरह सब कुछ है, तो इसी प्रिमाइस के अंदर तो मैंने एक चना लिया है और एक जूस लिया कि हाँ कुछ खा पी लेते हैं। खाना खा के निकला तो था बट भूख लग गया क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो यहाँ पे है सब कुछ भाई, यहाँ पे सोविनियर शॉप भी है जिसमें ना मॉडल्स लगाए गए हैं उसके, छोटे छोटे मॉडल्स हैं एयरक्राफ्ट के, वो ख़रीद भी सकते हो, बट हैं बहुत महंगे भाई, 1800-1800 रुपये का। तो मैंने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया। और इधर ही इसके बगल में कैफेटेरिया यहाँ पे, इसी के बगल में यहाँ पे पूरा बैठने का सारा कुछ बनाया गया है। तो यार बढ़िया है यार, मतलब सैटरडे संडे को आओ तो इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ भी रहती है तो बैठने को जगह मिल जाएगी आराम से। भाई साहब खा पी के सेट हो चुके हैं, मस्त भूख लगी थी, मस्त प्यास लगी थी, अभी सेट हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, PSLV का हीट चैम्बर है जिसके अंदर सैटेलाइट रखी जाती है। ये पूरा ऐसा मतलब वो सैंपल बनाया गया यहाँ पे, देखो हीट शील्ड है बेसिकली, और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे ना जिसके अंदर सैटेलाइट रखी है, तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। भाई ये फूल देखो कितने मस्त लग रहे हैं, अलग अलग कलर के यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इस साइड प्ले मतलब चिल्ड्रन का, छोटे बच्चों का खेलने पर कूदने का वो सब है, स्विंग वगैरह वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हैं भी, बच्चे खेल रहे हैं। भाई ये वाला एयरक्राफ्ट देखो, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ना मतलब ये UK से वो किया है, मतलब डेवलप किया है UK ने। और ये अंदर देखो सीट्स वगैरह लगी हुई है, मतलब एक काइंड ऑफ छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं होते हैं वो, उस टाइप का यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, पेस्ट कंट्रोल वो सारी चीज़ें। और एम्बुलेंस वगैरह के सर्विसेज में जो लोग यूज़ करते हैं ना, मतलब वो तो प्रॉपर वहाँ पे सीट्स वगैरह भी बनी हुई है। सीट तो अंदर उधड़ चुकी है लेकिन प्रॉपर वहाँ पे दिखा रहा है सही से वो सारी चीज़। और यहाँ से भाई एक राउंडिंग मार के चलते हैं, देख रहे हो ना कितना मस्त है ये। मतलब साइज़ इसका नॉर्मल ही है, सबसे बड़ा मैंने कैनबरा वो वहाँ पे लगा था ना, कैनबरा करके, वो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अब तक का देखा है, अभी तक का मतलब ये पूरा जब तक इतना एक्सप्लोर किया है। ये वाला एयरक्राफ्ट भाई एकदम छोटा सा, एकदम प्यारा सा एयरक्राफ्ट है। और ये बैंगलोर के एरोस्पेस नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर में ही बना हुआ है, और ट्रेनिंग पर्पस के लिए, स्पोर्ट हॉबी फ्लाइंग इन सारी चीज़ के लिए। जैसे ना एक जगह है ना यहाँ पे जो मतलब इस टाइप की ना फ्लाइंग कराता है, मतलब आपके साथ एक और बंदा बैठ जाएगा वो उड़वाएगा आपको एयरक्राफ्ट, प्रॉपर वो एक्सपीरियंस आप करते हो, तो वो भी है शायद बैंगलोर में, कभी देखेंगे वहाँ जा सके तो। लेकिन ये एकदम छोटा सा है, मतलब ये सबसे छोटा मैं कहूँगा अब तक का जो देखा है। और ये हिंदुस्तान ट्रेनर, ये स्टार्टिंग में भी खड़ा था वही वाला सेम है, यहाँ पे भी एक खड़ा किए हैं। और ये भाई ये मस्त लग रहा है, इसका नाम है किरण। और भाई ये भी सुपरसोनिक ही है, आई डोंट नो, ये हाँ सुपरसोनिक काइंड ऑफ है। 795 इसकी स्पीड है, और ये प्रॉपर ये फाइटर जेट ही लग रहा है, लीडरशिप और वही साल के फर्स्ट फ्लाइट इसकी 1964 में हुई थी। और ये हो गया ख़त्म, मतलब यहाँ पे पूरा अभी ये लोग डेवलप भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, उस साइड भी बढ़ा रहे हैं। मैंने देखा ना कहीं कहीं ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। इधर पूरा देख रहे हो ना, ये सारा एरिया जो है ना वो पूरा वहाँ पे कटहल भी है भाई, देखो यहाँ पे ये पूरा गार्डन काइंड ऑफ बनाया हुआ है। और भाई हाल चाल देख रहे हो कितना मस्त सो रहा है, इसको धूप नहीं लग रही है क्या, देख रहे हो एकदम मस्त पड़ा हुआ है। इधर कटहल वटल का सबका पेड़ वेड़ है हर टाइप का, तो वो सारी चीज़ें। और गार्डन मेंटेन कर, मतलब ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ना, बारिश वारिश अभी है नहीं बैंगलोर में, थोड़े टाइम में हो जाएगी मतलब अप्रैल के आसपास 2-3 महीने में, तो भाई ये ग्रीन ग्रीन पूरा हो जाएगा और मस्त लगेगा। तो यही सारा था आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया, देखते हैं और कुछ बचा है तो दिखाते हैं। अब भाई इधर से मैं आ रहा था, अब इस साइड ना वो इंजन का सारा कुछ लगा के रखा गया, इवोल्यूशन प्रॉपर एरोस्पेस का। तो ये अंदर है लाइक इधर से HL का इस साइड, इधर से मैं थोड़ा सा देख कर गया देख सकें, तो फर्स्ट एंट्री है, सिमुलेटर वगैरह रखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट्स वगैरह है, क्या अभी डिज़ाइन किया जा रहा है, एवोल्यूशन कैसे हुआ इन सारी चीज़ों का, धीरे धीरे एरोस्पेस कैसे इवॉल्व हुआ ये सारी चीज़ों का, इंजन सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। भाई मोशन सिमुलेटर तो अभी मेंटेनेंस में है, बट बेसिक सिमुलेटर पे कुछ नहीं लगा, तो पूछते हैं इन लोगों से। तो भाई बेसिक सिमुलेटर भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो 6-12 साल के बच्चों के लिए है, और जो मोशन सिमुलेटर है वो अभी अंडर मेंटेनेंस तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दोनों नहीं यूज़ कर पाए। इधर से हम लोग निकले हैं, इधर से मैंने देखा ना ऊपर से इधर कुछ कुछ है, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट अंदर रखे हुए हैं, तो वो चलते हैं देखते हैं।
भाई इस वाले में तो अलग ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब इंडोर डिस्प्ले, मतलब इनर डिस्प्ले है, कैसे कैसे सीट इंजेक्शन वगैरह इजेक्शन वगैरह होता था, जो सीट इजेक्शन वहाँ पे प्रॉपर पायलट बैठाया गया है, मतलब डमी काइंड ऑफ, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे टायर वायर का हर एक चीज़ का यहाँ पे पूरा यहाँ पे बना के रखे हुए हैं कि हाँ कैसे सारा कुछ होता था, एक्चुअल में कैसे होता है। यहाँ पे देखो इस साइड, जैसे कभी क्या हुआ कि ऊपर से, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट में पायलट बैठा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, तो सीट इजेक्शन का बटन होता है जिस पर आप लोग टैप करके, मतलब वो इजेक्ट हो जाती है, प्रॉपर सीट ही इजेक्ट हो जाती है, ऐसे पैराशूट निकल जाता है, फिर आराम से पायलट सेफली लैंड कर सकता है। तो ये कितना बढ़िया, मतलब सही से ये लोग किए हैं ये सारा। और यहाँ पे इंजन वगैरह HL के इंजन से यहाँ पे रखे हुए हैं, देखो HL के इंजन, HL का मार्क वगैरह सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डिज़ाइन है डेवलप बाय HL, मतलब HL ने जो अपने वो बनाए हुए हैं कुछ कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं प्रॉपर डिस्प्ले के लिए। भाई जो हेलीकॉप्टर्स जो यूजुअली यूज़ होते थे आर्मी की तरफ से, चेतक एंड चीता, उनका रिप्लेसमेंट है ये लाइट ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर करके इसका नाम है, और ये मॉडल बना के रखा गया है उसका, और दो पायलट्स भी अंदर बैठाए गए हैं छोटे छोटे। ये देखो भाई ये वाला हॉल हम लोग से मिस हो गया था, हॉल नंबर 1। एक्चुअली हम लोग उल्टा ही घुसे, मतलब मैं उल्टा ही घुसा कि मेरे को इधर से घुसना चाहिए था, उधर से निकलना चाहिए था, बट उल्टे ही घुसे। यहाँ पे ना हिस्ट्री ऑफ HL के बारे में सारा कुछ है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से एयरक्राफ्ट, यहाँ पे PSLVs रखे हुए हैं, देखो इसरो के जो PSLVs हैं प्रॉपर यहाँ पे भाई दिखाया गया है भाई कि ये हीट शील्ड है, इसके अंदर सैटेलाइट होता है, उसके बाद फिर रॉकेट वॉकेट कौन सा सिस्टम है, वो सारा चीज़ यहाँ पे है। तो एक राउंड इसका मारते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हर रूम के ऊपर यहाँ पे ऐसे हॉल ऑफ फेम ये है, यहाँ पे 2001 एंड बियॉन्ड, ऐसे ही 1991 सारे रूम्स के ऊपर ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो भाई साहब सब कुछ एक्सप्लोर कर लिए, यही सारा व्लॉग था। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करना, शेयर करना। HL का पूरी वीडियो मैंने बना दी, मतलब सारा कुछ आराम से इत्मीनान से घूम लिया, क्योंकि वीकडे है, कोई भी भीड़ नहीं, पूरा खाली पड़ा, आराम से घूम लिया। तो यही सारा वीडियो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और ऐसे वीडियोस अपन डालते रहेंगे, लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, और खुश खास रहो भाई। चलो बाय बाय।